वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एको बॉय बैक विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था, से हाई टू राघवन भाई। भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं और काफ़ी अब मशक्कत लगेगी क्योंकि ग्लास आ चुके हैं और ये हैं 12 mm का है, 5 feet सो 5 feet आपका लेंथ है, देन 2 feet विड्थ है और 2 feet हाइट है। तो अब इसको हम असेंबल करना चालू करते हैं, लंबा खासा प्रोसेस लगेगा, तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। असेंबल कर दिया और हालत खराब हो गई, सीरियसली पसीना पसीना, बिकॉज फैन भी बंद कर दिया था क्योंकि इसका ग्लू जल्दी सूख जाता है। तो भाई अभी अपडेट दे दो कि अभी क्या बेसिक आपने अभी पूरा एक राउंड डाल दिया है। अभी 24 आवर्स छोड़ना है इसको। ओके, तो अभी पूरा हमने बेस लगा दिया, साइड लगा दिया और उसको अभी 24 आवर्स छोड़ना है। 24 आवर्स ये फिर हम कहां पे लगाएंगे? ये नीचे पूरा। अच्छा, नीचे पूरा आता है, इधर दो पीस आता है उसका। लेकिन बास्किंग स्पेस हम तो वो कल अपन दो ग्लास लगा दे दो। हाँ। एक ग्लास अपना लेना, रखना, निकालना बस। हाँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसे सीधा एक ऐसा ऐसा रहेगा जो सीधा एक ग्लास ऐसे रख दिया, ठीक है, एक साइड में बस उसको जब मर्जी उठाया रख दिया और बस यहाँ पे लेटर लगा दो, अपना जब आएगा और ये पूरा ग्लास तो चलिए हम मिलेंगे कल और उसमें हम बाकी आपको अपडेट देंगे। भाई को बोलते हैं बाय। गाइज ये है अभी डे थ्री है। हमने कितना पूरा 24 घंटे से ज्यादा हो गया, कुछ 32 आवर्स हो गया और ये ऑलमोस्ट काफी अभी स्टिक हो गया। तो भाई आज क्या करने वाले हम इसमें? उसको थोड़ा सा बीडिंग डालना साइड में। अच्छा, तो साइड बीडिंग करेंगे आज। इसको निकाल दिए। ओके, ये पूरा जो उसका लगाया था ये पूरा निकाल के जो एक्स्ट्रा ग्लासेस थे वो लगाए थे इन लोग, राइट? हाँ ठीक। भैया ने अभी पूरा क्या भैया टॉप में लगा दिया और बेस में लगा दिया, पूरा फिनिश हो गया अभी। टैंक पूरा फिनिश हो गया क्योंकि बेस में लगाना जरूरी इसलिए क्योंकि हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, ओपन हो जाता है, 5 फीट है ना। हां, तो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा काम खत्म हो गया है, अब हम चल रहे हैं भाई की दुकान पे। हम लोग वहां पर भी मोटर देखेंगे और स्पंज एंड सिरेमिक रिंग्स, एक्टिवेटेड कार्बन और वो टब, तो क्योंकि अब इसका हमें बनाना है फिल्ट्रेशन। ऑल्सो भैया से बात करके हमने अभी प्लान किया है कि हम वो ग्लास वाला बास्किंग सेटअप नहीं लगाएंगे, वुडन लॉक लगाएंगे, इजी है, इजी निकाल सकते हैं और इतना तामझाम नहीं रहेगा क्योंकि इसको जब नहीं है। हाँ, तो वो वुडन लॉक भी ढूंढना है, वो हम ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई के साथ और दुकान पे चलते हैं। तो गाइस मैं और भाई आ गए, ये देखिए पीछे एक लोकल सी शॉप है, यहाँ पर टब बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और आराम से यहाँ पर आप इजीली टॉप फिल्टर सेट कर सकते हो, तो चलिए वो कर लेते हैं। तो भाई दिखा दो हमने, तो बेसिकली ये स्पंज ले लिए, एक ये नेट सर ले लिया और प्लस ये टब है, तो इसका अभी जो जो करेंगे दिखाएंगे। अब चलते हैं भाई के दुकान पे, वहाँ पे हमें लेने हैं बायोमीडियाज और मोटर। हाँ भैया, तो पहला क्या है? ये स्पंज है, वॉशेबल है, ये वॉशेबल ही हम रखेंगे बेस में। हाँ। उसके बाद ये व्हाइट स्पंज है, ये व्हाइट स्पंज है तो वो हमने ले लिए मल्टीपल। हाँ, ये सेरामिक है, ये कार्बन, ये एक्टिवेटेड कार्बन है और इस बार ये पैकेट के साथ है, खोल के इसमें डाल ताकि क्लीनिंग के लिए इजी और निकल जाएगा। और ये एक अच्छा खासा पैकेट ले लिया है सिरेमिक रिंग्स, एंड देन मोटर, मोटर कौन सा भाई दिखा दूँ? ये सैमसंग का, सैमसंग का है और जो क्वालिटी अच्छा है, लाइफ भी आ जाएगा। और इसमें काफ़ी नोजल्स मिलते हैं इसके साथ, ये तो सेटिंग है, सेटिंग है, बट हम लोग इसको अभी
इस टब में इसको एडजस्ट करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी से। तो चलिए अब इसको लेके निकलता हूँ और टब में और इसमें पाइपिंग करवाते हैं। ये लग गया और ये वाला पाइप गाइस, ये हो गया ब्लेड काटने के लिए पाइप को, पाइप थोड़ा लंबा ले लिया एंड दीज आर द आउटलेट्स फॉर। तो आज है इसका ऑलमोस्ट फोर्थ डे। तो आज का एजेंडा है कि हम ये निकालने वाले हैं पूरा पानी और इसको मैं खाली करने वाला हूँ, स्पेस को आज खाली करेंगे। एट द सेम टाइम फिल्टर का इंस्टॉलेशन और उसका प्रोसेस बनाने वाला हूँ तो वो दिखाता हूँ। तो चलिए जल्दी से इसको खाली करने के लिए लगा देता हूँ, एट द सेम टाइम फिल्टर कैसे हम बना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी निकलना स्टार्ट हो गया है यहाँ से एंड देन ये टर्टल्स, तो टर्टल्स तो हाथ से निकाल दूंगा बट मेरा बस ये कि उसको नेट से निकालना पड़ेगा जो हमारी फ्लेको फिश है। तो टर्टल्स को एक एक पकड़ के, ये रहा हमारा पहला, तो इसको यहाँ कर देता हूँ। तीसरा ये रहा। तो चलिए जल्दी से आपको फिल्टर का समझाता हूँ। तो बेसिकली अगर टैंक को जिस तरीके से लगाऊंगा तो ये रहेगा हमारा मेन सोर्स जिसको मैं ऐसे रखूँगा और यहाँ पे दो होल करके इसको जिस तरीके से लगाने वाला हूँ ताकि आराम से यहाँ पर पानी गिरेगा। तो ये हो गया। और फिल्ट्रेशन के लिए क्या करना है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ये सेरेमिक रिंग्स हैं और इतने इसी के डबल उसकी लेयर बनेगी और ये है एक्टिवेटेड कार्बन जो नेट के साथ है इस बार, ये देखिए। तो ये इसकी एक लेयर बनेगी, देन ये है आपका एक हाई डेंसिटी स्पंज बायोमीडिया, ये जाएगा एंड देन आपका ये जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। प्लस आपको याद होगा जो हमने बड़े वाले माउंटेन ट्री के सेरेमिक रिंग्स हैं उनकी एक पूरी लेयर बनेगी। उसके बाद जो ये है, ये कुछ लगेगा इस तरीके से और इसमें ये वाले स्पंज लगेंगे एंड देन और इसमें मैं पूरा भर दूंगा मनी प्लांट या प्लांट्स लगाऊंगा ताकि उसके रूट्स होंगे जो रूट से जाके फिर ये पूरी फिल्ट्रेशन डबल हो रही होगी। अब प्लान क्या है, अगर ये कुछ इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है तो हमारा मोटर कुछ इस साइड ऐसे रहेगा यहाँ पे और ये जाएगा इसके अंदर और इसका मैं पाइप काट के ये फॉल होगा सीधा इसके अंदर, यहाँ से फॉल होगा और जाएगा। तो ये है हमारा कुछ अभी प्लान पूरे फिल्ट्रेशन का। हालत हो गई है ख़राब, अकेले इतना सब साफ करना पूरा एक वो निकालना है इजी नहीं है। तो इसी बात पे लाइक और कमेंट कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो वो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया एरिया पूरा साफ, मैंने पॉन्ड बाहर निकाल दिया है। आई एम फीलिंग सैड फॉर देम बट ये सिर्फ रात रात भर के लिए है, कल हम जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा एक अच्छा खासा टैंक आने। तो गाइस अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, एक्वेरियम हमारा सूख गया था पूरा, मैंने फिल्टर पूरा बना दिया है और इसका फिल्टर का प्रॉपर जो डिटेल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसकी कितने क्या लेयरिंग लगाई है कैसे बनाया, तो फिल्ट्रेशन का अलग से बना दूंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल देना नहीं चाहता। तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ये हमारा फिल्ट्रेशन लग गया है एंड यहाँ से घुसते ही जो टर्टल का मस्त वाला, तो जो मैं आपको बता रहा था कि बास्किंग के लिए मैं एक वुडन लॉग लाया हूँ, वो भी मैंने एक्चुअली कवर नहीं कर पाया, मैं सोचा ब्लॉग बनाऊंगा बट मेरे को लगा लंबा खिंच जाएगा, तो वो लॉग मैं प्रॉपर कटवा के एक ट्रेडमिल वहाँ से फिर यहाँ लगा के, तो अभी मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट करता हूँ और हुड को एडजस्ट करता हूँ और टर्टल्स को शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि देखिए मैंने पूरा सेटअप कर दिया है यहाँ पे, ये आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। तो जो वुडन लॉक की मैं आपको बारीक बता रहा था, तो यहाँ से आपको नेचुरल सनलाइट जो रोज सुबह आती थी वो आराम से यहाँ आएगी, यहाँ बैठेंगे। जिस दिन सनलाइट नहीं आई तो ये रही हमारी बास्किंग लाइट और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको अगर मैं फिक्स स्ट्रक्चर लगा देता तो मैं इसको बाद में निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बेस्ट है, नेचुरल लुक आता है, आराम से निकल के बैठेंगे और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव फ्लोट होता है और यहाँ से चल जाता है। प्लस ये पूरा मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि इसकी डिटेलिंग है। तो चलिए अब फाइनली टर्टल्स को रिलीज करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डालते हैं अपने मेल को, ये गया गाइस। तो अब है हमारा दूसरे, ये रही
ये गई नीचे। वाह, वुडन के ऊपर एक अलग ही फील आ रहा है। ये रहा हमारा तीसरा, देखिए स्लाइड के तो। और ये रही हमारी सबसे पहली ब्यूटी, जिसकी स्टाइल काफी ड्राई हो गई और ये शेड करने वाली है, ये स्किन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये है फायदा की, अब आप साइड से भी देख सकते हैं इनको स्विम करते हुए, यहाँ साइड से भी आपको दिख रहा है, एंड देन आप यहाँ ऊपर से भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से। अब चलिए इसका मोटर भी स्टार्ट करता हूँ और ये बास्किंग लाइट भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है, फिल्ट्रेशन होती है, ये देखिए। वाह, ये इसका ऐसा पूरा फिल्ट्रेशन रहेगा। तो यहाँ पे टर्टल्स आराम से आते जाते रहेंगे। चलिए जल्दी से कोशिश करता हूँ आपके सामने अगर इनको कुछ खिला सकूँ और ये खाएं तो। ये देखिए इसको तो पता लग गया कि खाना मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे डालता हूँ मैं। देखिए अंधेरे में कुछ इस तरीके से लगेगा। ये है इनका बास्किंग स्पॉट, जैसे आराम से आके ये हमारा टर्टल खाते हुए, बाकी सब नीचे। तो यहाँ से ये देखिए सब नीचे बैठते हुए, मैं लाइट जला देता हूँ। तो ये देखिए सब, तो ये ऐसे आप देख सकते हो, एंड देन फुल ये फील देखने का अलग ही होता है। ये देखिए जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हो गया हमारा पूरा एक टर्टल टैंक। तो जल्दी से बाकी कलेक्शन भी दिखा देता हूँ, फिर वीडियो को हम एंड करते हैं। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बारी देख रहे हैं तो उनको चलो जल्दी से सारी कलेक्शन का टूर दे देता हूँ। ये है मेरा प्लांटेड टैंक जो आप देख सकते हैं, ये है इसमें सारी फिशेस, और ये कुछ ऊपर से इस तरीके से लगता है, एंड देन साइड से ऐसा। ये रही मेरी कम्फा फ्लोरोन, तो आप देख सकते हैं ये कम्फा F4 है। एंड देन ये रही हमारी एल्बाइनो एरोवानास, जो चार नंबर हैं इसमें। तो ऊपर टैंक में उनका जो वाइट लेयर जम जाती है वो है, अदरवाइज बाकी नीचे साफ है। वो नीचे फ्रंटोस है, उसकी कहानी आपको बाद में बताएंगे। इसकी लाइट अभी जल नहीं रही है। ये रही हमारी येलो फ्लोरोन, एंड पूरा हमारा जूनियर हल्क नीचे छुपा हुआ है। ये तो आपने अभी देख ही लिया है। ये रहा मेरा 5-pin मॉस्टर्ड टैंक एक्वेरियम, जिसमें आप ये देख सकते हैं जैन गुरामी येल्लो पैरेट, पीछे वो वाइट पैरेट, ये है रेड पैरेट, देन दिस इज़ योर पीकॉक बास, ये है जम्बो पैरेट, रेड चिली ऑस्कर, एंड देन ये रही हमारी ग्रीन टेरर, एंड देन फ्रंटोसा नीचे घुसी हुई है। ये है इसकी प्लेको, बाय द वे ये प्लेको भी ट्रांसफ़र करनी है बड़े वाले टैंक में, क्योंकि एज इन उसी के लिए थी ये। चलिए आपको दिखा देता हूँ अपना बालकनी पॉन्ड। ये रहा हमारा बालकनी पॉन्ड, और ये रही हमारी सारी फिशेस। आप लोग शायद वो नया प्लांट देख रहे होंगे, उसका अपडेट आपको जल्दी ही मिलेगा। तो ये है मेरा बालकनी पॉन्ड, जिसमें तीन बड़ी शार्क्स हैं वो दिखी, जो आप ये देख सकते हैं घूम रही हैं। बाकी इसमें मिक्स ऑफ कोई कार्प्स एंड गोल्ड फिशेस एंड सबकिंग्स हैं इसमें सारी। तो चलिए अब चलते हैं, हम वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था वीडियो जहाँ पे हमने सेटअप किया एक 5-feet टर्टल टैंक, जिसमें हम साइड से टर्टल्स को देख पा रहे हैं और प्लस ऊपर से देख पा रहे हैं, एक बास्किंग स्पॉट, नेचुरल वाटरफॉल, तो एक ये अलग ही फीलिंग है। तो अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में और इसको दिखाने में। बाकी डे टू डे इसके
अपडेट्स आप इंस्टाग्राम में ले सकते हैं। प्लस इसका फिल्ट्रेशन का वीडियो मैं पूरा डिटेल में अलग से बनाऊंगा, प्लस इनके रेगुलर बास्किंग जो शॉट्स होंगे वो डालता रहूंगा। तो अगर आप टर्टल लवर हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि वैसे मैं टर्टल पे ही अपने वीडियो ज़्यादा बनाता था, अभी थोड़े कम हो गए, लेकिन टर्टल्स पे स्टार्ट करेंगे दोबारा से। एंड देन आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आप टर्टल्स के बारे में और क्या जानना चाहते हैं, वो ज़रूर बनाएंगे। और आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपने देख लिया होगा कि मेरी पूरी कलेक्शन क्या है, तो मैं इन्हीं कह रहा हूँ, पूरी ब्लॉगिंग बनाता रहता हूँ, संडे एंड वेनेसडे वीडियो आते ही आते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दिखाएं और इस वीडियो को प्लीज़ अच्छी रीच दें, और जल्दी से हम 50K को टच करेंगे। तो वैसे तो ये प्लान था कि 50K होगा तभी बनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले बना दिया, तो गाइस जल्दी से 50K हम लोग करते हैं और जल्दी जल्दी मैं वीडियोस लाता रहूँगा। एंड मैं यहाँ अपना टाइम कुछ देर स्पेंड करने वाला हूँ, आप इंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।